हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। आज हम कैंसन शीट पे वाटर कलर पेंटिंग बनाने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से मिल सके। आज हम बाबा श्याम की ड्राइंग बनाने वाले हैं। उसके आउटलाइन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। मैंने A4 साइज की शीट ली है। सबसे पहले हम डॉट लगा लेंगे ताकि हमें लाइन ड्रॉ करने में आसानी रहे। मैं कैसे कर रही हूँ आप देखते जाइए। हम चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर की लाइन डॉट लगा लेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ ग्रिड मेथड की हेल्प से बाबा श्याम के आउटलाइन को ड्रॉ करने वाले हैं और बहुत इजी तरीके से हम परफेक्ट ड्राइंग बना पाएंगे। चारों साइड सेंटीमीटर एक जैसे होने चाहिए, तभी जाके आपकी ड्राइंग परफेक्ट बनेगी। मतलब ये जो बॉक्स होते हैं इनको स्क्योर में होना ज़रूरी है। चलिए, हमारी ग्रिड लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम नंबर लिख देते हैं ताकि हमको ड्रॉ करने में आसानी रहे। अब हम सबसे पहले फेस के कॉर्नर से ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए मुझे स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दे के आउटलाइन ड्रॉ करना चाहिए, जिससे ड्राइंग परफेक्ट बनती है। सबसे पहले हम बाहर के आउटलाइन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें फेस ड्रॉ करने में आसानी रहे। जब भी हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी आई। आई जितनी अट्रैक्टिव बनेगी आपकी पोर्ट्रेट, आपकी ड्राइंग उतनी रियलिस्टिक दिखेगी। तो जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दे के आईज, नोज और लिप्स, इनको जितना हो सके इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको बाबा श्याम की आउटलाइन कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप वाटर कलर ड्राइंग कर रहे हो तो जितना हो सके इतना लाइट प्रेशर देके आउटलाइन को ड्रॉ करना, ताकि जब हम इस पर कलर करें तो इस पर पेंसिल, ग्रेफाइट कुछ भी ना दिखे। अभी मैं डार्क इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आप जितना हो सके इतना लाइट प्रेशर देकर ही ड्रॉइंग को ड्रॉ करें। इस वीडियो में हम सिर्फ बाबा श्याम के आउटलाइन को ही कंप्लीट करेंगे। इसमें कलरिंग हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिल जाए।